जो निकला उस पर मुहर अभी लगेगी और अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें पूरी तरह से बात आपको पता चल जाएगा। जो जो कुछ आगे करना है, जो आगे होना है, सभी चीज़ों का खुलासा राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे जो ऑफिस बेरर होंगे, प्रवक्ता होंगे, वो सब लोग पूरी तरह से खुलासा करेंगे। एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो बेगूसराय घटना में गिरफ्तार सिंह भी कर रहे हैं, गिरफ्तार सिंह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक घर जाते हैं इसको कानून व्यवस्था हो जाती है। देखिए, बिहार में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित है। छिटपुट घटनाएं होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो घटना करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़ सरकार सख्त कार्रवाई करती है। एक भी अभी तक घटना करने वाले, दुर्घटना करने वाले लोग बचे नहीं हैं, चाहे कितने बड़े भी कद्दावर क्यों नहीं हो, कितने प्रभावशाली क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ़ सरकार सख्त कार्रवाई करती है और जो भी घटनाएं हुई है उस पर सरकार की नज़र है और सख्त कार्रवाई हो रही है। देखिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक मीटिंग थी, आप जान रहे हैं कि इसके बाद मौलंकर भवन में राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुहर लगेगी और मुहर लगने के बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनने के अधिकृत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उन्होंने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे, जिसमें पुरानी चेहरा के साथ साथ कुछ नई चेहरे भी आ सकती है। तो एक नई स्वरूप में हमारी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी रहेगी, जिसे और बेहतर भूमिका पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक बेहतर भूमिका होने की संभावनाएं हैं और आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है तो उसकी भी चर्चा हो सकती है, जैसे दिल्ली में, झारखंड में, तो उसकी भी चर्चा हो सकती है कि हम किस प्रकार से दिल्ली में हमारी भूमिका हो और किस प्रकार से हमारी झारखंड में हो, सहयोगियों के साथ हमें किस प्रकार से रहना है, NDA गठबंधन और अटूट कैसे बन सकते, इन बातों को भी उल्लेख हो सकता है। क्या सर, इन मुद्दों में बातचीत होगी? क्या NDA 2019-20 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ेगी? पूरी तरह से पार्टी की आज बात होगी, लेकिन उसमें सहयोगियों की जिक्र हो सकता है कि हम ये पूरी तरह से जिम्मेवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर होगी कि कौन कौन सहयोगी और किस प्रकार से सहयोगियों को का साथ में बनाकर दिल्ली में या झारखंड में अब चुनाव लड़ा जाएगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आज निर्देश को सभी लोग देखेंगे और सुनेंगे। संगठन को मजबूत बनाया जाएगा और जिन प्रदेशों में सदस्यता अभियान किसी कारण से कम हुआ है उसकी बढ़ोतरी होगी और अध्यक्ष का अनाउंसमेंट होगा वहाँ मालवंकर हॉल में।